हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्हें कंफर्म्ड है कि आप और आपके पर्सन जिनसे आपका रिलेशन है दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की सिचुएशंस क्या हैं, दोनों के इंटेंशंस क्या हैं, एक्शंस कैसे हैं, दोनों क्या करने वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पर्सन के एंड से रीड करेंगे एंड राइट हैंड साइड पर थर्ड पार्टी की ओर से रीड करेंगे। आपको अपना फोकस अपने पर्सन पर रखना है, थर्ड पार्टी पर नहीं। रिलैक्स रहना है, कूल रहना है एंड गहरी सांस लें। अपने पर्सन को अपने माइंड पर रखें। लेट्स ट्राई टू सी ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। और आपको लगता है कि बताई हुई सिचुएशंस एक्शंस आपके पर्सन के हो सकते हैं, तभी इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस आप काम में लें। अदरवाइज ये सिचुएशंस किसी और के लिए भी हो सकती हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स इमोशनल सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ बोल्ड डिसीजन लेना चाहती हैं। आपके पर्सन के लिए जो ऑब्स्टेकल है दैट इज़ द एम्प्रेस। थर्ड पार्टी खुद इनके लिए ऑब्स्टेकल है और मदर फिगर या सिस्टर फिगर, कजिन्स, वो भी एज एन ऑब्स्टेकल आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं। थर्ड पार्टी स्टक दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती है, ये उनका बड़ा ऑब्स्टेकल है। आपके पर्सन की थिंकिंग है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन करना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में फ़िलहाल हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं थर्ड पार्टी द हर्मिट मोड में है, तो थर्ड पार्टी भी अपने ऊपर फिलहाल फोकस्ड हैं, सोच रहे हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए। आपके पर्सन के साथ पिछले कुछ मंथ्स में सेवन ऑफ वेंड्स, आपके पर्सन डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को। सिक्स वेंड्स यहाँ पर है, एक वेंड इनके हाथ में है, तो जो भी निगेटिविटीज़ हैं उनसे खुद को बचा रहे हैं पिछले कुछ समय से, और अभी फ़िलहाल मूव ऑन भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जो भी उनकी सिचुएशंस हैं उनसे। थर्ड पार्टी पिछले कुछ मंथ्स में सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बड़ा चीटिंग इश्यूज, अनक्लैरिटी, कुछ छुपाना, इस तरह के इश्यूज फेस कर रही है थर्ड पार्टी भी। आपके पर्सन के एंड से क्लियर नहीं है इसलिए चीटेड महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, कॉन्शियस एक्शंस हैं, वो हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन यहाँ से मूव ऑन करके आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं बहुत फास्ट। वहीं थर्ड पार्टी के जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आइदर थर्ड पार्टी अपनी पास्ट लाइफ में जिनसे डील कर चुके हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के आपकी ओर आने की वजह से सैडनेस में हैं। आपके पर्सन के साथ इमीडिएटली व्हील ऑफ फॉर्चून, समय इन्हें सपोर्ट करने वाला है। और थर्ड पार्टी के एंड से फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लाइफ से कम होने वाला है। दिस इज ऑल विच इज़ गोइंग ऑन। पेज ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फ्यूचर में है। आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन लेंगे इस वक्त। ऑलरेडी वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। थर्ड पार्टी टू ऑफ कप्स हारमोनी बनाना चाहती है आपके पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान जिस तरह से आपकी ओर डाइवर्टेड है, इस वजह से थर्ड पार्टी कुछ बोल्ड एक्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं। लेट्स चेक सम एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। डोर टू वैल्यू, आपके पर्सन अपनी वैल्यूज को रियलाइज कर रहे हैं, इसीलिए फिलहाल जो भी निगेटिविटी है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। और एक्शन ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके पर्सन के एंड से,
तो ये एक्शन लेंगे, श्योरली एक्शन लेंगे। थर्ड पार्टी की एनआरसी चेक करते हैं। द थिंकिंग वुमेन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, हॉस्टिलिटीज जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो भी यूज़ करना चाहते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है थर्ड पार्टी के एंड से, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत ट्रिकी बिहेवियर भी इस वक्त करना चाहते हैं थर्ड पार्टी जो भी हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को लेकर एक क्वेश्चन कर सकते हैं एंजल से, इसे आप अपना आंसर, गाइडेंस या प्रेडिक्शन भी समझ सकते हैं। रोमांस बोला है एंजल्स ने, तो दिस इज कूल, पीसफुल रिजोल्यूशन आप दोनों के बीच हो जाएगा, यस का आंसर भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।